हेलो गैस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके फिशेस वगैरह बर्ड्स वगैरह सब ठीक से होंगे। तो भाई मैंने गोल्डियन फिंचेस का सेटअप लगा लिया है, जो कि एज अ बिगनर सेटअप है। अभी मैं दरअसल थोड़ा ग्रो करूंगा, मैंने 6 गोल्डियन माशाल्लाह से जमा कर लिए। अब मैं इनको ग्रो करूंगा, ग्रो करने के बाद इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग सेटअप भी बनाना है मुझे। और अभी का सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। एक केज था जो कि बहुत टाइम से मेरे पास रखा था, मेरे रूफ टॉप पर रखा हुआ था, वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। तो वीडियो के अंदर आपको सब पता लगेगा कि मैंने कौन सा सेटअप बना लिया। बहुत मज़ेदार सेटअप है, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा। बगैर टाइम देकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस ये ना मेरा फिंचेस का सेटअप बिल्कुल नया नया सेटअप है। नीचे वाला जो जो मेरा केज है, ये काफ़ी पुराना केज था, ये रूफ टॉप के ऊपर था, लेकिन फिर इसको मैंने साफ सुथरा करके नहला धुला के नीचे ले आया। बाकी ऊपर जो है एक केज के अंदर 6 फिंचेस हैं, बीच वाला केज आपको दिख रहा होगा ये खाली है, और राइट वाला केज भी खाली है। अभी इसके अंदर भी मुझे फिंचेस रखनी है। अभी मेरे पास 6 फिंचेस हो चुकी हैं, 6 गोल्डियन फिंचेस हो चुकी हैं। अब मज़ीद मुझे फिंचेस और जमा करनी है और इनको ग्रो करना ही मेरा सबसे बड़ा मिशन होता है, क्योंकि गोल्डियन जो है बहुत सेंसिटिव बर्ड है। इसको अगर ग्रो कर लिया तो आपको गोल्डियन रखना आ गया। और जो ये 6 की 6 फिंच हैं, ये सारी एक ही एवरी से हैं, एक ही जगह पे ब्रीड हुई हैं, तो मैं इस वजह से लेके आया। बाकी जो आपको अभी दो तीन जो एक्टिव दिख रहे हैं, वो मेरे एक हफ्ता पहले लाया था, और बाकी जो थोड़े स्लो हुए हुए हैं वो मैं कल ही लेके आया हूँ, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है। और देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी कलर कर लेते हैं, 4 महीने के अंदर कलर वॉश कर लेते हैं अपना। कलर वॉश का मतलब ये हो गया कि अपने जो इनका कलर होता है रेड पर्पल ब्लू ग्रीन, वो कलर पे आ जाएंगे। कम से कम 1-2 महीना और लगना है, उसके बाद इंशाल्लाह अगर ये सर्वाइव हो जाते हैं, मैं इनकी केयर तो पूरी कर रहा हूँ, अगर ये सर्वाइव हो जाते हैं तो ये खूबसूरत कलर में आ जाएंगे। कलर में आ जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये ब्रीड के लायक हो जाते हैं, और जब ये ब्रीड के लायक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी इनकी ब्रीड भी कराएंगे और इनका शौक भी करेंगे। क्योंकि ये फिंचेस जो है, मुझे बहुत टाइम से मेरा ये क्रश था इन फिंचेस के ऊपर, और मैं बहुत शौक था, रखना चाहता था ये फिंचेस, लेकिन नहीं रख पाता था। तो सडनली मुझे एकदम से एक अच्छी ऑफ़र मिली, और सुहेब नाम का लड़का बहुत अच्छा मिल गया मुझे, जो इसका ब्रीडर है, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी चीज़ें गाइड करता रहता है मुझे, तो मैं उसकी गाइडेंस में इनको ग्रो कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि यार ये जल्दी ग्रो हो जाएं, ग्रो हो जाएंगी तो मज़ा आएगा आप लोग को भी और मुझे भी, जब इसको ग्रो कर लेंगे, इसके कलर्स वगैरह आ जाएंगे, फिर इसके हम केजेस बढ़ाते जाएंगे। इसी जगह के ऊपर ही मैंने सोचा है कि केजेस बढ़ाता जाऊँगा, और इसके बाद नीचे वाला जो केज है इसके ऊपर मैं इसको यूज़ करूँगा एज अ ग्रो आउट केज, क्योंकि ये केज काफ़ी बड़ा है, 7 फिट का इसका साइज़ है, और डेप्थ भी अच्छी है, और डेप वगैरह भी अच्छी है, अच्छा बहुत मजबूत केज है ये। ये दरअसल किसी और पर्पज से बनाया था छत पे, तो ये मैं निकलवा के नीचे लेके आ गया हूँ, अपने फिश रूम के अंदर रख दिया मैंने। तो अब इसके अंदर नीचे अगर इन फ्यूचर कोई चेक्स वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो मैं नीचे के ग्रो आउट के लिए छोड़ूंगा, ताकि फ्लाई उनको अच्छा मिले, कम्फर्टेबल हों, जल्दी जल्दी बढ़े हों। और ये केज जो है ये अभी खाली है। इस केज के अंदर सबसे अच्छा सीन क्या है भाई, ये आपको दिख रहा होगा, अगर आपको इस केज के अंदर दो केज बनाने हैं, तो आप इसका सेपरेशन का यूज़ करके, जैसे कि आप टैंक वगैरह में यूज़ करते थे सेपरेशन का ग्लास लगा देते थे, तो इसी तरह आप इसके अंदर 2 केज कर सकते हैं। ये 2 केज हो जाएगा, ये 2 केज हो जाएगा, लेकिन जो मैंने अभी तक सुना है कि इस तरह का केज में कंफर्टेबल रहती हैं, और माशाल्लाह से देखें इसमें अभी आधे पीस तो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। अभी मैं इनकी मेडिसिन, इनको विटामिंस वगैरह स्टार्ट करूँगा, जो बाकी हैं वो भी अल्लाह करे एक्टिव हो जाएं। अगर एक्टिव नहीं होते तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बीमार होते हैं, बहुत सेंसिटिव बर्ड है। तो आप लोग भी यार दुआ करेगा कि मैं इनको रखने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इनको ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद देखा जाएगा कि यार ब्रीड लें या ना लें, ब्रीड कैसे कराएं, वो बात की बात है, लेकिन अभी सिर्फ पर्पज़ ये कि ग्रो हो जाए। और आप लोग दुआ करेगा यार ग्रो हो जाए, क्योंकि बहुत शौक से मैंने लिए ये। और इसका सेटअप जो है, मैंने ये दीवार जो है ना, सामने वाली जो दीवार देख रहे हैं आप, इसको मैंने यही सोचा है कि सारा इधर बर्ड्स लगाऊंगा। ये कम से कम 8 से 9 फिट की जगह है, वीडियो में छोटी लग रही होगी, और ऊपर ही देख रहे होंगे भी मेरा जो फार्म है, AB फार्म, जो कि गोट फार्म भी हुआ करता था, जिसमें गोट्स वगैरह अब नहीं है, सिर्फ फिशेस के हवाले से चल रहा है ये AB फार्म। तो इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्टिव करेंगे बहुत जल्दी। आप लोग अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं एक फार्म लूँगा, ज़मीन लूँगा, उसके ऊपर पूरा सेटअप बनाऊँगा, और उधर सारा शौक करेंगे, हम सब मिल के शौक पूरा करेंगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।